कांग्रेस बीएपी गठबंधन का हार आखिरकार राजकुमार रौत के गले में। राजस्थान की राजनीति में डूंगरपुर बांसवाड़ा लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर काफी घमासान उठापटक देखी जा सकती है। ऐसे में आज भारत आदिवासी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर आखिर निर्णय हो चुका। बांसवाड़ा कांग्रेस कार्यालय में भारत आदिवासी पार्टी के डूंगरपुर बांसवाड़ा सांसद प्रत्याशी राजकुमार रौत के गले में कांग्रेस पदाधिकारियों ने गठबंधन का हार पहना कर चुनाव प्रचार में समर्थन देने की बात कही। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का प्रत्याशी अपने हाथ के निशान के साथ मतदाताओं को मतदान करने के समय दिखाई देगा। इस दौरान भारत आदिवासी पार्टी के सांसद प्रत्याशी राजकुमार रौत ने मीडिया को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि संविधान की रक्षा के लिए हम कांग्रेस के साथ हैं और कांग्रेस हमें समर्थन दे रही है। उन्होंने कहा कि धर्म की राजनीति नहीं चलेगी। हम भी आस्था रखते हैं, किसी भी धर्म को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते, लेकिन जिस तरह से परिस्थितियां बन रही हैं उसे देखते हुए हमें गठबंधन की जरूरत थी। उन्होंने कहा कि महेंद्रजीत सिंह मालविया बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हैं, राम मंदिर नहीं जाने दिया गया, इसको लेकर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली और अब कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम कर चुनाव लड़ रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस के पदाधिकारी भी उनके साथ मौजूद थे। क्या कहा उन्होंने, एक बार सुनिए जरूर। ये वर्तमान समय में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक जोरदार टर्निंग पॉइंट आया है कि देश के अंदर जो क्षेत्रीय पार्टियां और कांग्रेस पार्टियों का कई जगह गठबंधन हुआ है, उसी अनुरूप हमारे बांसवाड़ा सीट पे भी गठबंधन हुआ है और हमने भी दिल से स्वागत किया। कांग्रेस के पदाधिकारी ने भी इसको गठबंधन का दिल से स्वागत किया। कांग्रेस के हाईकमान ने जिस तरह से डायरेक्शन दिया है सीट को लेके, क्योंकि यहाँ पर परिस्थिति अलग टाइप की बनी थी। आप सब जानते हैं कि कांग्रेस का दिग्गज नेता के रूप में माने जाते थे, लेकिन कांग्रेस के साथ और क्षेत्र की जनता की भावना के साथ खिलवाड़ करके एकदम पलटवार होकर भाजपा में चले गए हैं। 10 दिन की जो हमारी कार्य योजना है कि हम लोग सामूहिक रूप से कैंपेनिंग करेंगे और कांग्रेस का कार्यकर्ता हो या बीजेपी का कार्यकर्ता हो, सब मिलके इस लोकसभा चुनाव को शानदार तरीके से जीतेंगे। देखो, आपको पता है पॉलिटिक्स में कोई परिस्थितियां बदलती रहती है, बिगड़ती रहती है, लेकिन हमें आशा है कि ये परिस्थितियां अनुकूल रहेगी और आने वाले समय में भी मिलकर अच्छा काम करेंगे। ये पॉलिटिक्स क्षेत्र की जनता के लिए और इस देश के जो संवैधानिक जो प्रावधान है, हमारा देश का जो संविधान जो कहता है और जिस परिभाषा जिस अनुरूप संविधान जो लागू हुआ है उसको स्थापित करने के लिए उसको बचाने के लिए पॉलिटिक्स कर रहे हैं। नहीं, महत्वपूर्ण जनता है और जिस तरह से जनता के भावना के विरोध में भाजपा ने देश में माहौल जो बना रखा है, जनता की भावना के विरोध में माहौल बना रखा है, जनता में आपस में धर्म के नाम से जो जहर उगला जा रहा है, देश की संवैधानिक संस्थाओं को खत्म किया जा रहा है, इन सारी चीजों से जनता जुड़ी हुई है। इसलिए जनता के हित के ध्यान में रखते हुए गठबंधन हुआ है और हम शानदार तरीके से चुनाव लड़ लेंगे। आप यही सवाल हमको करना चाहिए कि मणिपुर के अंदर आदिवासी महिलाओं को नीवरस्त करके घुमाया गया, लेकिन आदिवासी महिला राष्ट्रपति हम सम्मान देते हैं, सम्मानजनक पद है, लेकिन उनको जिस तरह से बिठाया गया है, जिस तरह से उनको कंट्रोलिंग कर रखा है, वो कोई किसी प्रकार का कोई डिसीजन नहीं ले पाते और इसे हमें पता था और इसलिए हम लोग इन चीजों से दूर रहे। वर्तमान के अंदर भी आप देख सकते हो जिस तरह से राम मंदिर वाला जो मुद्दा हुआ, हम भी रखते हैं आस्था, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राम मंदिर के निर्माण में जो राष्ट्रपति को नहीं बुलाया उस समय किसी मीडिया ने सवाल ये नहीं किया। और ये पूरे देश का आदिवासी समुदाय हो अन्य वर्ग हो, सबने ध्यान में रखा है कि जिस तरह से भाजपा तानाशाही कर रही है और राम मंदिर को इसे भाजपा का पेटेंट बना के रख दिया है, उन सारी चीजों को ध्यान में रख रहा है। और इस देश के अंदर राम को मानने वाला हो या नहीं मानने वाला हो, सभी लोग समझ चुके हैं और भाजपा की जो व्यवस्था है और भाजपा जिस तरह से चल रही है उसको समझ चुके हैं। और इस चुनाव में लोकसभा में बांसवाड़ा ही नहीं, पूरे देश के अंदर भाजपा को तरीके से हमने मांग करी और 42 मुकदमे वापस भी हुए हैं, 42 मुकदमे विड्रॉल हुए हैं। कुछ ऐसे मुकदमे थे 4-5 वो रहे हैं, बाकी 42 मुकदमे हमने विड्रॉल करवा लिए। आरक्षण की भी बात काफी आ रही है इस क्षेत्र के अंदर, ये लंबे समय से चल रहा है, की बात भी नहीं हो, ये लंबे समय से चल रहा है। सरकारें आती है बदलती है, कुछ चीजें इम्प्लीमेंट होता भी है, कुछ चीजें रह भी जाते हैं और हम इसको लेके काम कर रहे हैं और हमें आशा है कि इंडिया गठबंधन के साथ जुड़े हैं, इन सारे समस्या का सोल्यूशन होगा। महेंद्र सिंह मालवीय हेलीकॉप्टर से चुनावी प्रचार कर रहे, वो कह रहे राजकुमार जी ऊंट पर आया गधे पे आया, मैं जीतूंगा चुनाव, क्या कहेंगे? देखो, सवाल देने लायक कमेंट हो तो मैं सवाल जवाब देने लायक कोई कमेंट हो तो मैं जवाब दूं, लेकिन वो बौखला चुके हैं। स्थिति ये है, उम्र में मेरे से काफी बड़े हैं वो, लेकिन जिस तरह से वो छोटे बच्चों वाली हरकतें कर रहे हैं, एक छोटा बच्चा वो कहता है कि वो चॉकलेट नहीं मिली इसलिए रोने लग गया, तो वो कह रहे मेरे को राम मंदिर नहीं जाने मिला इसलिए मैं भाजपा में चला गया, तो जिस तरह से छोटे बच्चे वाली हरकतें कर रहे हैं,
मैं कोई कमेंट नहीं करना चाह रहा, लेकिन जनता समझ चुकी है कि किसने भ्रष्टाचार किया है, किसने अरबों कमाए हैं और कौन लोग क्या कर रहा है। आज इनके आप हेलीकॉप्टर वाली रैलियों में देख रहे हो, नरेगा को आधार बना लिया, नरेगा की लेबर को बुला के जबरदस्ती कर रहे हैं। प्रत्याशी का बीजेपी प्रत्याशी का कहना है कि हमारे पास हमारा मुख्यमंत्री है, हमारा प्रधानमंत्री है, अगली बार फिर मोदी की सरकार बनेगी। बाकी प्रत्याशी के पास क्या, उनके पास न तो एमपी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री है, संविधान एमपी क्या उखाड़ लेगा। संविधान की किताब है उसके पास, संविधान की किताब है और ये देश संविधान से चलता है और हर विधायक को हर सांसद को उसके अधिकार मिलते हैं, ठीक है। और लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो विधि का निर्माण होगा उस समय हमारी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी, और एक जाए या दो जाए लेकिन संविधान के प्रावधान के अनुरूप हम लड़ेंगे और देश की व्यवस्था को बरकरार रखवाएंगे। आपने सर आज भाषण में लास्ट में जय श्री राम बोला, क्या आपका प्रश्न हो रहा है? नहीं, मैंने ऐसा कोई बोला नहीं, मैं इनको मानता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, हम भी मानते किसी के आस्था में कोई ठेस नहीं पहुंचाना चाह रहे, ठीक है। लेकिन जिस तरह से भाजपा ने राम को पेटेंट किया उसका हम विरोध करते हैं। महेंद्र सिंह मालवीय दिग्गज या फिर बच्चे? मैं आपको समझ जाओ कि बच्चों वाली हरकतें कर रहे हैं कि मेरे को मानी जाने दी इसलिए भाजपा में चला गया, मेरे नाम से दो राजकुमार ढूंढ लिए उन्होंने, कई राजकुमारों को ढूंढा उन्होंने और पैसे देके राजकुमार से फॉर्म भरवाए, ठीक है, और वो दोनों राजकुमार उनके घर पे ले जाके बिठा रखे हैं, उनका फोटो वीडियो वायरल हुआ है, तो वो दिग्गज नहीं माने जाते। जिस तरह से उन्होंने हरकतें कर रखी है, जिस तरह से वो कमेंट कर रहे हैं, वो दिग्गज की श्रेणी में नहीं आते, वो बच्चों वाली हरकतें कर रहे हैं। ये जनता तय करेगी लेकिन लाखों वोटों से हम जीतेंगे। सागवाड़ा लाइव न्यूज, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।